Hello everyone, welcome to Jenny's Kitchen, Cook with Love. आज जेनी के किचन में फिर से बहुत ही सिंपल, क्विक और विथ लेस इंग्रेडिएंट्स एक रेसिपी तैयार होने वाला है, जिसका नाम है गार्लिक फ्राइड चिकन सॉसेज. Yes, it's very quick or very easy and yummy to have it. You can have it any time of the day. तो आइए बताते हैं आपको कि इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. मैंने यहाँ पे चिकन सॉसेज लिया हुआ है, जिसको मैंने इस तरह राउंड शेप में कट कर लिया है, बिल्कुल पतला इस तरह मैंने स्लाइस कर लिया है. आई नीड वन बिग अनियन, जिसको इस तरह से स्लाइस किया है मैंने. आई नीड ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून. आई नीड गुड अमाउंट ऑफ गार्लिक and a little less amount of chopped ginger. I have taken 2 green chilies, salt according to taste, and I will be needing soya sauce. So let's quickly make our chicken sausage. हमने पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था और उसके बाद ऑयल गर्म होने के बाद हमने अनियंस ऐड किया था. वी वेट कि अनियंस हल्का ब्राउन हो जाए. अनियंस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि वो सॉसेज के साथ ही फ्राई होगा. हमारा अनियंस ब्राउन हो रहा है, सो वी ऐड ग्रीन चिलीज, वी ऐड द चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर. इसको अच्छी तरह मिक्स करना है. इसे और 1 मिनट तक हम फ्राई करते हैं एंड देन वी ऐड अ चिकन सॉसेजेस. जब तक हमारा अनियन फ्राई हो रहा है, हल्का ब्राउन हो रहा है, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग कि मैंने ये 5 पीसेज ऑफ चिकन सॉसेज को इस तरह कट कर लिया है और उसी हिसाब से मैंने गार्लिक भी लिया है. अगर आप 5 पीसेज से ज़्यादा चिकन सॉसेजेस ले रहे हैं तो यू विल बी रिक्वायरिंग मोर अमाउंट ऑफ गार्लिक. एंड ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन परचेज इट एनी टाइम यू फील. और ये ऐसा डिश है जो हर किसी को पसंद आता है. मैंने ये रेसिपी अपनी सिस्टर से, अपनी दीदी से सीखा है एंड इट्स अ वेरी वेरी डिलिशियस रेसिपी. एवरीबडी, माय फैमिली लव्स इट, स्पेशली माय हस्बैंड लव्स इट एंड ही जस्ट वांट्स टू हैव इट एवरी वीक इफ आई गिव हिम. तो आइए बताते हैं कि जल्दी से इसे कैसे हम फ्राई करते हैं. तो हमारा अनियंस हल्का ब्राउन हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द चिकन सॉसेजेस. आप इसे चाहे तो थोड़ा मोटा, थोड़ा पतला, डिपेंडिंग ऑन योर फेवरेट शेप एंड साइज यू कैन कट देम. वेल, दिस इज रियली परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाता है और जल्दी बन जाता है. Now I'm going to add little bit of salt, like around 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon black pepper. इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. इसे कम से कम हम 3 to 4 minutes तक फ्राई करेंगे. And then at last we'll be adding the soya sauce. Now we need to cover this for at least 3 to 4 minutes. तो देखिए, sausages और onion and garlic हल्का brown हो चुका है and now we are going to add our soya sauce. हमें 3 tablespoons soya sauce चाहिए. उसके बाद इसे हम अच्छी तरह mix करेंगे and then we'll give it a fry for another 5 minutes, जब तक कि हमारा sausages थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए. इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे.
so that the sauces get evenly distributed in the pan. Yes, you can see the beautiful color. So let's wait for another 5 minutes. So our garlic fried chicken sausage is absolutely ready. आप देख सकते हैं थोड़ा जो चिलीज है, गार्लिक है, अनियंस है, इट्स नॉट रियली टर्न ब्राउन एंड दैट्स द रियल टेस्ट दैट विल गिव द चिकन सॉसेजेस द रियल फ्लेवर. तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है. नाउ लेट्स सर्व इन टू अनदर बोल. सो गार्लिक फ्राइड चिकन सॉसेजेस आर एब्सोल्युटली रेडी. यू कैन हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट विद ब्रेड. You can have it for lunch, you can have it for dinner. It's a very good tiffin snack. You can have it with noodles, fried rice, pasta, macaroni, anything, or you can just have it as starter. As I told you, ye mere family mein sabko bahut zyada pasand aata hai and it's chicken, it's full of protein. To agar aapko ye recipe pasand aaya ho to do like, share, comment, subscribe Chinese Kitchen Cook with Love. Oh, 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 oh,